हेलो एवरीवन, दिस इज ममता जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस स्टाइल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स के केराटिन नरिशिंग शैम्पू का रिव्यू। सो फटाफट से इसकी पैकेजिंग डिटेल के बारे में जान लेते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये एक पम्प की प्लास्टिक बॉटल में आता है। गुड वाइब्स के जितने भी शैम्पू या फिर फेस वॉश होते हैं उनकी पैकेजिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, पम्प की पैकेजिंग होती है, काफ़ी गुड क्वालिटी की प्लास्टिक बॉटल है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइस की बात करते हैं, तो इसका प्राइस जो है वो है 185 रुपीज़ एंड 2 ईयर इसकी शेल्फ लाइफ आपको मिल जाएगी एंड 120 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी आपको मिलती है। और ये पैराबेन फ्री है और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, तो ये इसका प्लस पॉइंट लगा है मुझे। और इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसके जो इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी नेचुरल इंग्रेडिएंट इसमें दिख रहे हैं मुझे, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट लगा है मुझे इसका। इसकी फ्रेगरेंस की बात करूँ तो इसकी फ्रेगरेंस ना तो फ्रूटी या फिर फ्लोरल टाइप की फ्रेगरेंस मुझे नहीं लगी है, कुछ अजीब ही टाइप की फ्रेगरेंस है इसकी। तो फ्रेगरेंस वाइज मुझे ये शैम्पू जो है पसंद नहीं आया है, फ्रेगरेंस इसकी मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। अकॉर्डिंग टू प्राइस ये मुझे थोड़ा सा लिटिल बिट प्राइस ही लगा है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस प्राइस में काफ़ी अच्छे अच्छे जो है शैम्पू अवेलेबल हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आपके स्कैल्प पर या हेयर पर देते हैं, तो वो काफ़ी सही लगते हैं। बट अकॉर्डिंग टू प्राइस कुछ खास रिजल्ट मुझे इसका नहीं लगा है। अगर आप हैवी ऑयलिंग कर लेते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी मुझे यूज़ करना पड़े लगते हैं इसके अकॉर्डिंग ये मुझे थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग ये मुझे थोड़ा सा जो है प्राइसी भी लगा है। और रिजल्ट इसका कुछ खास मुझे नहीं लगा है, कुछ मतलब नॉर्मल शैम्पू जो आप मार्केट से लेंगे उनका मुझे इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट लगता है। इसका मुझे ऐसा कुछ खास रिजल्ट नहीं लगा है। मैं किसी भी प्रोडक्ट को जो है किसी भी ब्रांड को जो है ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती हूँ, अगर मुझे उसके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। गुड वाइब्स के कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं, बट ये शैम्पू मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, ओके लगा है। तो इतने प्राइस में इससे कम प्राइस में मार्केट में और भी अच्छे अच्छे शैम्पू जो है वो अवेलेबल है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसकी बजाय जो है उनको ट्राई कर सकते हैं। बट ये मुझे इतना ज़्यादा सही नहीं लगा है, तो मैं इसको जो है रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बट मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये शैम्पू जो है इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। तो या ये था आज का रिव्यू, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना एक लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं फ्यूचर में जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।